पार्टी के एक मान विधायक ने सहकारी समिति के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगाई है। आइए आपको भी दिखाते हैं। लगातार सहकारी समिति के चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने सभी आरोपों का खंडन किया है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से जिले के किसनी विधानसभा के विधायक ब्रजेश कठेरिया ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से आरोपों की झड़ी लगाई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सहकारी समिति के चुनाव में जमकर घपलेबाजी की है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट डालने नहीं दिया है। सहकारी समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पर्चे तक छीनने का काम किया है। उन्होंने प्रशासन पर भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर चुनाव कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या की है। वे चुनाव को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए, आप भी सुनिए। विधायक जी, जैसा कि सहकारिता का चुनाव हुआ है, भाजपा कह रही है कि 90% जीत हासिल की है, क्या कहेंगे इस पर? उस 90% में ये बता दें कि प्रशासन का कितना सहयोग रहा है। पूरी तरह प्रशासन पार्टी कार्यकर्ता की तरह उन्होंने काम किया है, और जो समाजवादी पार्टी के जो लड़ने वाले कैंडिडेट्स थे उनको इन्होंने फॉर्म भी नहीं उपलब्ध करा दिया और पूरा उसको छावनी बना दिया और पूरी तरह इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं ये सब निराधार हैं, सपा के लोग नामांकन करने ही नहीं आए, प्रशासन ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, ये हम लोगों का चुनाव था और वो लोग अगर आते तो उनको भी नामांकन कर किया जाता। अब अपनी सफाई के लिए तो आदमी बोलने को कुछ भी बोल ले, कुछ भी वो कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि उन पर जो सत्ता का नशा है, वो सत्ता के नशे में जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, निश्चित रूप से इसका जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से ही इनको देगी।